हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कि ध्यान से हम सब समाधि कैसे करें। मेरा कुछ प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि मेडिटेशन या ध्यान कैसे किया जाता है, मैं बता चुका हूँ उसके बारे में। लेकिन फिर भी आज ये वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि ध्यान होता क्या है। ध्यान आपका करने के लिए आपको ध्यान दो तीन प्रकार से किया जाता है। कैसे, बहुत कोई आपका मंत्र उच्चारण से ध्यान करता है, कोई आपका सांस में फोकस करता है, और कोई आपका अपना गोट्स को थर्ड हाइज या आपका आज्ञा चक्र में देखते हुए ध्यान करता है। ये तीनों प्रोसेस आपको मेडिटेशन में हेल्प करेगा। और हम आते हैं आपका ध्यान के बाद आपका धारणा आता है। धारणा कैसे आपका स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपने कभी कभी स्टार्टिंग में देखा होगा ध्यान करने टाइम आप मे बी आप मेडिटेशन का थर्ड प्रोसेस आपको लेते हैं, कोई भी आपका जो भगवान है जिसमें आप विश्वास रखते हैं उसका आप ध्यान करते हैं। जैसे आप मेडिटेशन की स्थिति में रहेंगे उसके बाद आप आज्ञा चक्र में गोट का फोटो आप ध्यान करेंगे उसका फोटो, तो आपको एक साथ में आपको फोटो कभी नहीं दिखेगा। आपको कभी कभी धीरे धीरे एक दो मिनट में कुछ फोटो दिखेगा, कैसे आपको चेहरा नज़र आएगा, फिर आपका हट जाएगा, फिर आपको हाथ दिखेगा, फिर आपका जो पकड़े हैं वो दिखेगा, या कभी आपका पैर दिखेगा। ऐसे धीरे धीरे आपके साथ होते रहेगा, या कभी कभी ध्यान लगेगा फिर हट जाएगा, फिर लगेगा फिर हट जाएगा। ये ध्यान से आपको धारणा तक जाने के लिए आपको डेली मेडिटेशन ये आपको करना पड़ेगा। धीरे धीरे आप डेली पर डे मेडिटेशन करेंगे तो ये जो ध्यान है वो आपका स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। स्टार्टिंग में आपको ध्यान लगने में टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपको पकड़ लेगा। जो भी आपका गोड है वो आपका आज्ञा चक्र में बैठने लगेंगे, और उसी तरह आपका जो इमेज है वो भी आपको सही, क्लियर और सही से दिखने लगेगा। ध्यान के बाद आपका धारणा आता है। धारणा में आप बोल सकते हैं, बिचांस हम कोई भी मेडिटेशन करेंगे तो आपका फोकस आ जाएगा आपका आज्ञा चक्र में, और जो आप गॉड को देखने चाहते हैं वो गॉड का इमेज सही से रूप से पूरा फुल क्रिएट आपका होने लगेगा, और उस जो इमेज जो आप सोचेंगे वो आपका हो सकता है एक दो मिनट, तीन मिनट, पाँच मिनट, दस मिनट तक आपका आज्ञा चक्र में आपको दिखे। वही आपका धारणा है, और जैसे जैसे आपका धारणा और स्ट्रॉन्ग होते रहेगा तो आपका क्राउट चक्र भी ओपन हो जाएगा। क्राउट चक्र ओपन होने के बाद आपको आप एक प्रकार का गॉड से कनेक्ट हो जाएंगे, जिसमें आपको सिद्धि और जितना भी आपका पास फ्यूचर या सामने वाला का मन जान सकते हैं, आपको दर्शन हो जाएगा गॉड। आप समझ जाएंगे कि इस दुनिया में हम आते क्यों हैं, इस दुनिया क्या क्या महत्व है, हम सबको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप एक प्रकार से गॉड से कनेक्ट हो जाएंगे। जितना भी सिद्धि मंत्र उच्चारण या मंत्र का जितना भी है स्टार्टिंग, सब वहीं से आपका क्राउड चक्र ओपन होने के बाद ही आपको मिलता है। आप सोच भी नहीं सकते हैं आपको क्या क्या होगा बेनिफिट। आपको एक प्रकार का आपका भगवान का हाथ होता है जब क्राउड चक्र जब ओपन होता है। जब आप धारणा के बाद आप समाधि में जाएंगे धीरे धीरे, आप अधिक प्रैक्टिस करने के बाद आपका मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के बाद आपका समाधि में भी, स्टार्टिंग में आपको एक दो महीना लग सकता है, आपको मेडिटेशन से धारणा जाने में ही आपको किसी किसी का दो महीना लगेगा, किसी के साथ चार महीना लगेगा, किसी के साथ पाँच महीना लगता है। इसको आपको पर डे आप डेली मेडिटेशन करेंगे तो मैं एक दो महीना आपको लगेगा धारणा में,
ब्रेथ मेडिटेशन करेंगे या अपना सांस में फोकस करेंगे या मंत्र उच्चारण करेंगे, तब भी आपको धारणा में जाने के लिए 1-1.5 महीना आपको लगता ही है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस के थ्रू मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद आपको मालूम भी होगा, आपको जैसे जैसे आपका धारणा या आज्ञा चक्र में आपका भगवान जिस देवता का आप पूजा करते हैं वो धीरे धीरे आप में बैठ जाएंगे आज्ञा चक्र में, तो आपका थर्ड आइज भी ओपन होता है। आपका थर्ड आइज ओपन होगा तो आप कुछ भी देख सकते हैं, मतलब जो आम आदमी नहीं देख सकता, आप भूत प्रेत को भी देख सकते हैं, चाहेंगे तो किसी का ऑरा भी देख सकते हैं आप। उस व्यक्ति क्या सोच रहा है या क्या नहीं सोच रहा है वो भी देख सकते हैं, या आपका जो गॉड है उससे पूछ सकते हैं कि इसको कैसे सही करे या इसको सही करे, उसको बोलकर ये आदमी को सही भी कर सकते हैं। उसी तरह आपको सोच भी नहीं सकते हैं, समाधि में जब जाएंगे तो आप क्या क्या कर सकते हैं। आज का टॉपिक में बस इतना ही। चलो, थैंक यू।